प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, 2024 के लिए कर रहे हैं आपको बीजेपी के खिलाफ तैयार। जी हां, आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी की तैयारियों को काफी खास माना जा रहा है। दिल्ली और पंजाब में पार्टी ने सत्ता हासिल कर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। इसके अलावा गोवा और गुजरात में पार्टी के वोट प्रतिशत ने उसे राष्ट्रीय पार्टियों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। अब आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा जा रहा है कि वे अब प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना देखने लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के संबंध में ही अब आप 18 दिसंबर को नए रोड मैप के लिए मंथन करने वाली है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अब आम आदमी पार्टी की नज़र लोकसभा चुनाव 2024 में बढ़त हासिल करने पर है। पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचार में जुड़ गई है। इसके लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पद पर कई नेताओं की नियुक्ति की गई है। आपने 18 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अरविंद केजरीवाल के साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान, सभी राज्यों के सांसद और विधायक शामिल होंगे। पार्टी बैठक में इस बात पर भी विशेष मंथन करने वाली है कि 2024 के लिए चुनावी प्लानिंग कैसे की जाएगी। आम आदमी पार्टी अपनी इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर पब्लिक में यह माहौल बनाना चाहती है कि वह अब बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक तीसरा अहम राजनीतिक विकल्प है। आप इसी विकल्प को दिखाकर अपने लिए साल 2024 के लिहाज से संभावनाएं तलाशने में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि अभी आप कुछ अन्य राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि साल 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी भले ही गुजरात में बीजेपी को टक्कर ना दे पाई हो, लेकिन उसने कांग्रेस की जगह लेने का बड़ा प्रयास किया है। आप 2024 में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर सकती है। यह माना जा रहा है कि जहां जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होगा, वहां कांग्रेस का खेल आम आदमी पार्टी खराब कर सकती है। इस खेल के जरिए ही आप बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।